प्रणाम दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किल मुहासों को जड़ से कैसे ख़त्म करें। दोस्तों, जैसे कि युवा अवस्था में चेहरे पर मुहासे, पिंपल्स, एक्ने, छोटे छोटे दाने, फुंसियाँ निकलना एक आम बात है। अधिकतर किल मुहासे तेलीय त्वचा पर निकलते हैं, अतः चेहरे पर क्रीम, तेल, कोई चिकनाई युक्त पदार्थ न लगाएं, ये हार्मोन्स की गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। त्वचा की सफाई करने के लिए आपको अपने पेट का काफ़ी ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास काफ़ी नुस्खे हैं जो आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, क्योंकि यह समस्या आमतौर पर टीनेजर और युवा अवस्था में रहती है, हालांकि अधिक उम्र में भी इस तरह की समस्याएं परेशान कर सकती है। दरअसल मुहासे त्वचा में जलन और पिंपल्स होने की स्थिति को कहते हैं। इन्हें हाथ से न फोड़ने से चेहरे पर निशान पड़ जाते हैं। मुहासे खाने पीने की गलत आदत से भी हो सकते हैं, कारण जब पेट अपना काम सुचारू रूप से नहीं करता, जिसकी वजह से भी टॉक्सिक बाहर आ जाता है मुहासों के रूप में। दोस्तों, मांस, सफ़ेद चीनी, कड़क चाय, अचार, कॉफ़ी, रिफाइंड सॉफ्ट ड्रिंक्स और आइसक्रीम और मैदे से बनी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। त्वचा को कील मुहासे और दाग धब्बों से कैसे दूर रखते हैं, इसके आसान घरेलू उपाय आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपके नाक पर कील मुहासे है या आप पे कई आपके चेहरे पे कई कील मुहासे और आपको नेक्स्ट डे पार्टी में जाना है, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारे वीडियो है जो कोलगेट पे अभी मुहासे के लिए वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, अगर आपका कोलगेट नहीं भी है तो आप यह दंत कांति भी यूज़ कर सकते हैं, यह भी बाबा रामदेव का है। अगर आपके पास कोलगेट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप उसको यूज़ करिए। तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा पेस्ट लेना है। ये मैं आपको किल के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई नाक पर कीले है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। पेस्ट लीजिए और नाक की चारों साइड पे इसे लगा लीजिए। उसको ब्रश से आप यूज़ करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे आपको चारों तरफ घिसना है, ऐसा कम से कम 5 मिनट करिए और हल्के से गर्म पानी से चेहरे को धो लीजिए। दोस्तों, देखिएगा आपके किल है वो धीरे धीरे निकल जाएगी और आपका जो भी नाक है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। दोस्तों, यह था एक उपाय किल को ख़त्म करने के लिए। उसके अलावा दोस्तों, आप चाहो तो अगर आपको मुहासे है तो आप ये ले लीजिए या कोलगेट ले लीजिए, थोड़ा सा लीजिए और जहाँ पर भी मुहासे है वहाँ पर हल्का सा लगा दीजिए और सुबह धो लीजिए। देखिएगा सुबह तक वो मुहासे का जो आकार है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। और दोस्तों, उसके अलावा कुछ और भी घरेलू उपाय जो मैं आपके साथ शेयर करने आता हूँ, यह एक कपूर है, आप कपूर ले लीजिए। कपूर को आप ऐसे मिक्स वो कर लीजिए, इसका मिश्रण बना लीजिए। उसके बाद तेल ले लीजिए, अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दूसरा तेल भी चल जाएगा। और उसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए ऐसे, ये देखिए ये मैंने मिक्स कर लिया है। इसको आप प्लेट में अच्छे से करिएगा और इसको वहाँ पे लगाइए जहाँ पे आपको थोड़े से मुहासे है, और 10 मिनट के लिए लगा के रखिए और उसके बाद चेहरा धो लीजिए। दोस्तों, ये करने से देखिएगा आपके चेहरे पे अलग ही चमक आ जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ आसान उपाय थे जो आप घर पे कर सकते हैं और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।